बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज आपके खिदमत में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मुर्गी में लकवे की बीमारी यानी पैरालिसिस का अटैक, इनकी इकसाम और इनकी क्या वजूहात होती है कि आपके बर्ड में पैरालिसिस यानी लकवे की बीमारी लाहक होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इकसाम के बारे में कि जब आपके बर्ड को पैरालिसिस का अटैक होता है तो आपके बर्ड की टांगों में से जान निकल जाती है, इसके पर सही से जो पल्ले हैं इसके ये सही से काम नहीं करते, बर्ड लंगड़ा कर चलता है और आपके बर्ड की गर्दन पीछे को मुड़ जाती है। लकवा आने की कोई ख़ास उम्र नहीं है, लकवा आपके बर्ड को किसी भी एज में आ सकता है। चूज़ा हैच होने के बाद से लेके अडल्ट एज तक किसी भी टाइम आपके बर्ड को लकवा आ सकता है। आमतौर पर देखा यह गया है कि लकवा उन बर्ड्स को आता है जो खुड्डों में यानी पिंजरों में ज़्यादातर बंद रहते हैं और बाहर खुला कम घूमते हैं। अब लकवे की क्या वजूहात हो सकती हैं इसके बारे में बात करते हैं और आपको तफसीलन आगाह करते हैं कि ये बर्ड में लकवा किन वजूहात से आता है। बर्ड में फ्लूइड का कमी यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी कमी की वजह से, बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से, बर्ड के अंदर मिनरल्स विटामिन्स की कमी की वजह से बर्ड के अंदर आपके लकवे का अटैक होता है। खुराक की कमी की वजह से भी आपके बर्ड के अंदर लकवे का अटैक हो जाता है। अब आपको जी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि जब आपके बर्ड लकवे की बीमारी में लाहक हो जाए तो आपने अपने बर्ड का ट्रीटमेंट कैसे करना है। कुछ आपको शुरू में मैं ह्यूमन मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ आपको मैं वेटनरी इंजेक्शन के बारे में भी बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करने से आप अपने बर्ड को एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले जी बात करते हैं ह्यूमन मेडिसिन की। या तो आप ये मेडिसिन इंजेक्शन की फॉर्म में लें या तो ये मेडिसिन आप टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में भी ला सकते हैं। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं मेथ्रोकोबोल इंजेक्शन की या टैबलेट की। आपने मेथ्रोकोबोल का इंजेक्शन जिस बर्ड को लकवा होगा उसको आपने 0.15 सीसी, मैं फिर बताता हूँ, 0.15 सीसी आपने अपने बर्ड को इंजेक्ट करना है और ये दिन में सिर्फ आपने एक ही बार अपने बर्ड को इंजेक्ट करना है। कोशिश करें कि ये इंजेक्शन आप अपने बर्ड को रात में लगाएं। उसके बाद आपका बर्ड पूरी रात सुकून से एक ही जगह पर खड़ा रहेगा और ये इंजेक्शन जल्द इस पर असर करेगा। अगर आपको मेथ्रोकोबोल इंजेक्शन नहीं मिलता तो आप न्यूरोग्यान का इंजेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको भी 0.15 ml ही पर केजी के हिसाब से लगाना है। यानी एक केजी का जो परिंदा है उसको आपने 0.15 ml आपने लगाना। आप इसके साथ साथ आप इवियॉन की कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बर्ड को विटामिन ई देगा। आप एक मेडिसिन इवियॉन की या कोई भी मेडिसिन जो आपके पास मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जो बर्ड के कैल्शियम को पूरा करें आप अपने बर्ड को दे सकते हैं। ये भी आपने दिन में सिर्फ एक मेडिसिन देनी है, यानी आपने एक मेथ्रोकोबोल का इंजेक्शन लगा देना है और साथ ही आपने एक इवियॉन का कैप्सूल या कोई भी कैप्सूल जो विटामिन प्रोवाइड करे आप इसको दे सकते हैं। अब जी बात करते हैं वेटनरी मेडिसिन के हवाले से कि आप अपने बर्ड को कौन सी वेटनरी मेडिसिन के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। आपने विटोबियान का इंजेक्शन ले लेना है और ये आपने अपने बर्ड को 0.10 ml आपने अपने बर्ड के अंदर इंजेक्ट करना है। एक केजी के बर्ड को 0.10 ml आपने इंजेक्ट करना है
और 0.15 आप MEY का इंजेक्शन अपने बर्ड के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन का इस्तेमाल आपके बर्ड को अल्लाह के फजल करम से रिकवर कर देगा। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि 0.10 पर केजी के हिसाब से आपने विटोबियन का इंजेक्शन और 0.15 MEY का इंजेक्शन पर केजी आपने अपने बर्ड को इंजेक्ट करना। इसके साथ साथ आप ईवीओन की कैप्सूल भी अपने बर्ड को दिन में एक दे सकते हैं या कोई भी कैल्शियम की टैबलेट जो आपके बर्ड की कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा आप अपने बर्ड को दे सकते हैं। अगर आप अपने बर्ड को कमर्शियल फीड देते हैं तो अब आप उसको घरेलू फीड दें, यानी आपने उसकी फीड को चेंज कर लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात खुराक की कमी की वजह से भी आपके बर्ड के अंदर लकवे की बीमारी लाग हो जाती है। आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लहसुन का इस्तेमाल करके भी अपने बर्ड की कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको जी फ्लूड थेरेपी के बारे में ही बताता हूँ कि आप फ्लूड थेरेपी करके भी अपने बर्ड को रिकवर कर सकते हैं। आपके बर्ड में पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो आप फ्लूड थेरेपी करेंगे, यानी पानी के साथ आपने इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने, जिससे आपका बर्ड रिकवर होने में इसको आसानी होगी। इसके बाद आप इसका मसाज भी कर सकते हैं, जिसको हम फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। इससे भी आप अपने बर्ड को रिकवर कर सकते हैं। आपने जैतून का तेल ले लेना है और आपने अपने बर्ड जिस जगह पे आपके बर्ड को लकवा लहाक हुआ है आपने उस जगह का मसाज करना है। मसाज करने से क्या होगा, जो आपके बर्ड के अंदर जिस जगह पर खून रुका हुआ होगा वो खून रगों में दोबारा दौड़ना शुरू हो जाएगा और आपका बर्ड इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट बताए, आपको जो सही लगता है या जो भी आप आसानी से कर सकते हैं आप इस तरीके को करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका बर्ड एक हफ्ते के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।